अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.2 जो हमारी कंटिन्यू थी, उस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक तमाम पार्ट्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं, और इसके दो पार्ट्स जो है डिफरेंट वीडियोस के अंदर मैंने शेयर कर दिए हैं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइंस। हाफ एंगल फार्मूलाज लास्ट टाइम मैंने आपको बताए थे, हाफ एंगल फार्मूलाज होते हैं हमारे पास, साइन का भी है, कॉस का भी है एंड टेन का भी है। एक ट्राइंगल है, उसमें अगर तीन एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, उन तीनों एंगल्स के लिहाज से, उनके साइड्स के लिहाज से डिफरेंट हमारे पास हाफ एंगल फार्मूलाज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनमें सिर्फ साइड्स यूज़ होती हैं और इसके ज़रिए आप हाफ एंगल फार्मूला को फाइंड कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 1 से। आपको तीन एंगल्स मालूम करने हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि आपको रिमेनिंग चीज़ें मालूम करनी होती हैं, क्योंकि ट्राइंगल में तीन साइड हैं और तीन एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन साइड दी हुई हैं लेकिन एंगल कोई भी नहीं दिया हुआ। सो देयरफॉर यहाँ पर आप हाफ एंगल फार्मूला लगाते हुए वहाँ से फाइंड कर लेंगे साइन अल्फ़ा को, फाइंड कर लेंगे बीटा, फाइंड कर लेंगे गामा, फाइंड कर लेंगे। तो पहला फार्मूला मेरे पास क्या है, साइन अल्फ़ा अपॉन टू के लिए सॉल्यूशन। साइन अल्फा अपॉन टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाय बी सी। ये फॉर्मूला है मेरे पास, लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा एस क्या चीज़ है। एस बेसिकली सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 3 है, डिवाइड बाय 2 इसका फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, वी नो दैट एस इज इक्वल टू, सिंस एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। सो देयर फॉर बस फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे एस की वैल्यू। एस इज इक्वल टू 55 प्लस 65 प्लस 85। ठीक है स्टूडेंट, इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ यहाँ पर, दिस वन 55 प्लस 65 प्लस 85 डिवाइड बाई टू। तो एस मेरे पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 102.5, ऐसा आ गया। नाउ लेट्स फाइंड दी साइन अल्फा अपॉन टू। साइन अल्फा अपॉन टू यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, दिस विल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस की वैल्यू क्या है 102.5 माइनस बी की वैल्यू क्या है 85। देन यहाँ पर आ जाएगा 102.5 माइनस सी की वैल्यू क्या है 65 डिवाइड बाय बी सी। 65 इंटू 85। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यूज़ को आप पुट कर दिया यहाँ पर, आपने मल्टीप्लाई करा दो इनको, तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, सम अप करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखें इसको माइनस करवाएंगे, इनको भी माइनस करवाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवा देंगे, तो ये सॉल्यूशन होपफुली आपको आता होगा। तो फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, साइन अल्फ़ा अपॉन टू का आंसर क्या आ गया है, साइन अल्फ़ा अपॉन टू इज इक्वल टू 0.344। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देयर फोर अल्फ़ा इज इक्वल, अल्फ़ा अपॉन टू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.344। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा अपॉन टू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.33 लेंगे तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। सो देयर फोर अल्फ़ा इज इक्वल टू 40 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 40 डिग्री करीब आ जाएगा, पॉइंट समथिंग होगा, मैंने इसको 40 डिग्री लिख दिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ बीटा, सो दैट वी हैव फार्मूला, यहाँ पर स्टूडेंट्स फार्मूला लिखा हुआ है। अब मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ, सो देयर फोर साइन बीटा अपॉन टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाय ए सी। यहाँ पे सारी वैल्यूज को उठाकर पुट करते हैं, इट इज़ जस्ट सिमिलर थिंग, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए
102.5 माइनस ए कितना है 55 इंटू 102.5 माइनस सी कितना है 65 डिवाइड बाय ए सी, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 55 इंटू 65 हो जाएगा, सो दैट दिस विल बी इक्वल टू 0.706 साइन बीटा अपॉन टू की वैल्यू आ गई। यहां से साइन उधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, बीटा अपॉन टू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.706, दिस मीन्स दैट बीटा अपॉन टू इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री करीब आएगी वैल्यू आपके पास, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन 90 के करीब करीब आएगी वैल्यू, 90 पॉइंट समथिंग होगी या 89 पॉइंट समथिंग। अच्छा भाई अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नाउ लास्ट एंगल, दो एंगल्स मालूम हो चुके हैं, तीसरा एंगल मालूम करना है। वी कैन फाइंड इट्स वाज यूजिंग द फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे और गैमा की वैल्यू निकाल लोगे, तो 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, तो गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 40 प्लस 90 कितना हो जाएगा मेरे पास 130 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, गैमा मेरे पास तकरीबन आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको पॉइंट को मैं सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन की है, इसका कोई इशू नहीं है, यू कैन डू इट एज वेल, या तो आप पॉइंट में छोड़ दो तो भी आंसर बिल्कुल ठीक है, या डिग्री डेसिमल में छोड़ दो या तो डिग्री मिनट्स में निकाल के ले आओ, तो हर तरह से आंसर जो है वो करेक्ट है, कोई इशू नहीं है उसका। अच्छा बाकी पार्ट इसके जो है पार्ट बी एंड इसका पार्ट टू एंड पार्ट थ्री बहुत ही आर सिमिलर्स, इनमें भी ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से कोई मसला होना नहीं चाहिए इसमें, और ये पार्ट भी आप खुद कर सकते हैं सेम वही पैटर्न के जरिए। आपने साइन अल्फा पॉइंट टू फाइंड करना है, साइन बीटा पॉइंट टू फाइंड करना है, आफ्टर दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू गैमा फाइंड कर लोगे यहाँ से। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में मेरे पास क्या है, मुझे यूज़ करना है कॉस का फार्मूला, कॉस का हाफ एंगल फार्मूला मेरे पास यहाँ लिखे हुए हैं, ये रहे कॉस का हाफ एंगल फार्मूला, ये रहा, तो इनको हम यूज़ करेंगे और इनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पार्ट वन की बात करूँ, अगर मैं ए दिया हुआ है 95 डिग्री, सबसे पहले निकाल लो यहाँ से, एस इज इक्वल टू पार्ट वन की बात कर रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू, दिस विल बी इक्वल टू 95 प्लस 76 प्लस 85 डिवाइड बाय टू, दिस विल बी इक्वल टू 256 डिवाइड बाय टू एंड दैट विल बी इक्वल टू 128। ठीक है स्टूडेंट, सो देयरफॉर एस इज इक्वल टू 128 आ गया। नाउ वी पुट इन द फॉर्मूलाज, फार्मूला में पुट करते हैं इसको, कॉस अल्फा बाय टू का फार्मूला क्या है मेरे पास, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाय बी सी, यही फार्मूला है, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। ओके सो जस्ट पुट द वैल्यूज, इसमें क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू 128 इंटू एस माइनस ए, 128 माइनस 95 डिवाइड बाय बी की वैल्यू क्या है 76 इंटू 85। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये दिस विल बी इक्वल टू 33 मल्टीप्लाई बाय 128 डिवाइड बाय 6460, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 128 इंटू 33 अपॉन में 6460, इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 0.8086 कॉस अल्फा बाय टू, इसके बराबर आ गया, इट्स मीन दैट अल्फा बाय टू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.8086, सो दैट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बाय टू इज इक्वल टू 36.03 डिग्री है,
इसको आप अल्फा इज इक्वल टू 72.07 डिग्री भी लिख सकते हो, वरना आप राउंड ऑफ इसको भी कर सकते हो, 72 डिग्री भी अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो। और यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट इन टू दी डिग्री मिनट्स अगर क्वेश्चन में आपसे उसमें दिया हुआ है। डिग्री मिनट्स में भी आप फाइंड कर सकते हो, बट नॉट कंपल्सरी। नाउ बीटा, वी हैव टू फाइंड द बीटा। फॉर दैट वी नो द फॉर्मूला, कॉस ऑफ बीटा अपॉन टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाय ए सी। सो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस की वैल्यू क्या है 128 इंटू 128 माइनस बी की वैल्यू क्या है 76 डिवाइड बाय ए सी, इट्स मीन दैट 95 इंटू 85। सो दिस विल बी इक्वल टू, इन सबको आप एवेल्यूएट करें तो आपके पास क्या आता है 0.9079। सो दैट कॉस बीटा इज इक्वल टू दिस। सो देयर फॉर बीटा अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.9079। तो बीटा अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 24.78, विच मीन्स दैट बीटा इज इक्वल टू 49.56 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके पास बीटा आ जाएगा। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा, सो दैट गैमा इज इक्वल टू, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको मालूम है तो आपके पास आंसर आता है 58.37 डिग्री। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा बाकी के पार्ट्स बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा है इसको, बिकॉज ए बी सी वही सेम चीज़ें दी हुई हैं, डिफरेंट कुछ चीज़ें होती हैं, तो मैं उसके जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को करवाए हैं 1, 2, 3 के, तो यहाँ पर वेरी सिमिलर चीज़ें हैं, इसलिए मैं नहीं इसको स्किप कर रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है, आपने यूज़ करना है टेंजेंट हाफ एंगल के फार्मूलाज। हाफ एंगल ऑफ टेंजेंट के फार्मूलाज मेरे पास यहाँ पर लिखे होंगे, ये रहे वो फार्मूलाज, इनको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे, एस निकालेंगे यहाँ से भी, सॉल्यूशन इसका है पार्ट नंबर 1। अच्छा एस निकालना है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 13 प्लस 16 प्लस 23 डिवाइड बाय 2, देन एस इज इक्वल टू इन सब का सम करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 26। सो दैट टेन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाय एस इंटू एस माइनस ए। दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी क्या है 26, माइनस बी की वैल्यू क्या है 16 इंटू 26 माइनस 23 डिवाइड बाय एस कितना है 26 इंटू 26 माइनस 13। इन सब को आप सम अप कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास क्या आ जाता है, दैट विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 26 इंटू 13। सिंप्लीफाई कर लो इसको तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0.2979। सो टेन अल्फा अपॉन टू की वैल्यू ये आ गई। मुझे फाइंड करनी है अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा अपॉन टू इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 0.2979। इनवर्स इसका मालूम करेंगे तो अल्फा अपॉन टू मेरा बराबर आ जाएगा 16.589। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 33.18 आंसर आ जाएगा डिग्री, अल्फा आपके पास ये आ गया। इसी तरह से आपने फाइंड करना है बीटा, तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
टेंजेंट ऑफ बीटा अपॉन टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाय एस इंटू एस माइनस बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज आर हेयर 26 माइनस 13 ये हो जाएगा 26 माइनस 23 डिवाइड बाय 26 इंटू 26 माइनस 16. वैल्यूज एक बार देख लेता हूँ. ओके ठीक है. सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू सिंप्लीफाई कर लो इसको. ये आ जाएगा आपके पास 13 इंटू 3 डिवाइड बाय 26 इंटू 10. इसको आप कर लो सिंप्लीफाई तो आपके पास आ जाता है 0.387 29. सो दैट 10 बीटा बाय 2 की वैल्यू मेरे पास ये आ गई. इट्स मीन दैट बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 0.387 29. सो दैट बीटा अपॉन टू इज इक्वल टू इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 21.1713. सो दैट बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 42.34 डिग्री बीटा आपके पास ये आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गैमा. सो इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग इट इज़ नॉट न्यू थिंग. वी कैन इजिली फाइंड दैट एल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो सम कर दो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एल्फा. एल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास 33.18 डिग्री माइनस 42.34 डिग्री. तो गैमा आ जाएगा मेरे पास 104.48 डिग्री आ गया. ठीक है स्टूडेंट्स यू कैन कन्वर्ट इट टू डिग्री डेसिमल डिग्री डिग्री मिनट्स एज वेल. वो आपको तरीका मैंने सिखाया हुआ है शुरू में वो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. अच्छा अल्फा बीटा गैमा मालूम हो चुका है तो क्वेश्चन मालूम हो गया मुकम्मल हो गया. इसमें बाकी के दो पार्ट सेम टू सेम हैं. इसी तरह से आपने पहले टेन अल्फा बाई टू यूज़ करना है टेन बीटा बाई टू यूज़ करना है आफ्टर दैट गैमा को आपने फाइंड कर लेना है. अब इसके हैं नेक्स्ट पार्ट कौन सा है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी व्हेन ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर सी इज इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर. एक ही पार्ट है इसका. तो लार्जेस्ट एंगल मालूम करना है तो स्टूडेंट्स ये आपने ज़रा सोचना है इसके बारे में जो सबसे बड़ी साइड होगी वो किधर बनेगी. ये देखिए मेरे पास ये एक अगर ट्राइंगल है ठीक है फर्ज कर लो मेरे पास ये क्या है ये है मेरे पास ए ये है मेरे पास बी ये है मेरे पास सी. ए की वैल्यू क्या है स्मॉल ए की वैल्यू क्या 6 सेंटीमीटर स्मॉल ए यहाँ पर बनेगा 6 सेंटीमीटर स्मॉल बी यहाँ पर बनेगा 8 सेंटीमीटर स्मॉल सी यहाँ पर बनेगा 9.4 सेंटीमीटर. तो सबसे बड़ी जो साइड होगी तो उसका एंगल उसके करस्पॉन्डिंग जो होगा वही सबसे बड़ा होगा. मतलब कि एंगल जो यहाँ पर बनेगा ना गैमा वो सबसे बड़ा एंगल होगा बिकॉज ये सबसे बड़ी साइड के अपोजिट में बन रहा है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल है ये. ठीक है स्टूडेंट्स सो डायग्राम इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन योर एग्जाम सो फॉर देयरफॉर मैं इसको समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है. यहाँ आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे 6 सेंटीमीटर बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर सी इज इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर सिंस द साइड सी इज ग्रेटर देन अदर साइड्स कह दो या साइड ए बी कह दो अदर साइड्स देयर फोर या सो एंगल गैमा विल बी लार्जेस्ट एंगल. ठीक है उसके क्रोस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो लार्जेस्ट होगा. सो देयर फोर वी हैव
साइन गैमा अपॉन टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाय ए बी। तो इसके लिए मुझे पहले एस मालूम करना पड़ेगा, मैं मालूम कर लेता हूँ एस की वैल्यू। एस इज इक्वल टू ए कितना है, ए बराबर है 6 + 8 + 9.4 डिवाइड बाय 2। तो एस मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 11.7। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर हेयर। साइन गैमा अपॉन टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11.7 - 6, 11.7 - 8 डिवाइड बाय 6 × 8। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आता है, स्क्वायर रूट इसका फाइंड करें तो आता है 0.6628। साइन गैमा अपॉन टू की वैल्यू ये आ गई, गैमा अपॉन टू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.6628। सो देयरफॉर गैमा इज इक्वल टू साइन इनवर्स की वैल्यू जो आ रही है इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो आंसर आता है आपके पास 83.035। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टेप जो होते हैं डायरेक्टली भी कुछ किए जा सकते हैं, होपफुली यू विल गेट देम बिकॉज इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। स्टेप्स मल्टीप्लाई प्लस करना आता है आपको, कॉन्सेप्ट नई चीज़ है, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये आपको आना चाहिए, बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह ये काम आपको आता होगा यकीनन। अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल में बेटा क्या होगा जो स्मॉलेस्ट साइड के अलोंग होगा, स्मॉलेस्ट एंगल होगा यहाँ पे देखो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है। ठीक है स्मॉलेस्ट साइड इसमें मेरे पास कौन सी वाली है, स्मॉलेस्ट साइड इसमें मेरे पास है स्मॉल बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। सिंस यहाँ पर वही काम करेंगे, सिंस बी इज स्मॉलर देन ए एंड सी देयरफॉर, सो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सा बनेगा, बी क्या लाऊं बीटा बनेगा, सो बीटा विल बी द स्मॉलेस्ट एंगल, सो देयरफॉर साइन बीटा अपॉन टू का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाय ए सी। एस की वैल्यू क्या है मेरे पास, एस की वैल्यू फाइंड कर लो, मैं यहाँ पे अलग से फाइंड कर लेता हूँ। एस मेरा आ जाएगा 1/2 × 25 + 18 + 21 दैट विल बी इक्वल टू 32। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स पुट द वैल्यूज ओवर हेयर। 32 - 1 की वैल्यू क्या है, 25 × 32 - c की वैल्यू क्या है, 21 डिवाइड बाय a इंटू सी। 25 × c की वैल्यू क्या है, 21। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा आंसर 0.3829 साइन बीटा अपॉन टू। सो देयरफॉर बीटा अपॉन टू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.3829। सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स फाइंड करो मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 45.03 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 9 तक मुकम्मल कर लिए हैं, नेक्स्ट इसका पार्ट क्वेश्चन 10 से आगे जो है अगले वीडियो में इसको कवर किया जाएगा। तो जब तक आपने वीडियो देखनी है लाजमी शेयर करनी है सबके साथ,
और कमेंट्स लाजमी करने हैं कि मेरे मेथड के अंदर कोई इशू है, कोई मसला है. यू कैन ईज़िली कमेंट मी, आप मुझे अपनी राय से लाजमी आगाह करें ताकि मैं उस तरह से इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ और आपको और अच्छे से मेरी वीडियो से समझ में आए. ठीक है स्टूडेंट्स.